हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज के जो अपडेट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम BTC को ना दो तरीकों से यहाँ पर जो है वो देखने वाले हैं। पहले हम करेंगे इसका शॉर्ट टर्म एनालिसिस, वो क्या बन रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन एक इंपॉर्टेंट चार्ट जो मैं आपको शो करूँगा, जिसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। और आपको पता ही है, पाकिस्तान का वाहिद यूट्यूब चैनल है जिसने आपको इवन इस पॉइंट के ऊपर जो है वो सेलिंग करवाई थी, एग्जैक्ट टॉप के ऊपर USDT को बाउंड करके किस तरीके से हमने बताया था, USDT डोमिनेंस का कोरिलेशन हमने किया था और ये सारी चीज़ें। ये वाहिद चैनल जहाँ पर आपको लाइव ट्रेडिंग और अच्छे अच्छे एक्यूमुलेशन कॉल्स जो है वो दी जाती है। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने कल की वीडियो पे बहुत प्यार दिखाया, आपको 800 लाइक्स का कहा गया था और आपने 1K लाइक्स जो थे वो हमारे करवा दिए थे। तो देखिए, ऐसे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लिए मजीद अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। आपके लिए तो ये बिल्कुल फ्री होता है, आपको बस क्लिक करना है, बट इन बढ़ते हुए नंबर से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लिए क्वालिटी और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। सो इट्स माई रिक्वेस्ट। मैं देखो कोई यहाँ पर डिमांड नहीं कर रहा, आज आपको जितने लाइक करने हैं आप लोग करो, लेट्स सी कि आप लोग बिना बोले कितने लाइक्स करते हैं, ठीक है। चलो, सारे लाइक सब्सक्राइब मस्ट कर देना, ठीक है, कोई एम नहीं आज का, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर अगर हम देखेंगे BTC का शॉर्ट टर्म एनालिसिस, तो यहाँ पे 4 आवर्स का चार्ट मैंने ओपन किया है। कल BTC ने अपना टॉप जो था वो बनाया तो था, इस जोन के अबव BTC स्ट्रगल कर रहा है थोड़ी सी, बट मेरे अकॉर्डिंग ये कोई इतनी मेन रेजिस्टेंस BTC के लिए नहीं है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ, ये भी है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म में है, जो कि काइंड ऑफ लेवल टू लेवल BTC को अगर हम देखेंगे तो रख रहा है, लाइक इस तरीके से आपको BTC को लेवल टू लेवल ही रख रहा है आपके पास, ठीक है। और एक फेक आउट हमारे पास जो था वो आ गया था कुछ इशूज की वजह से, फिर ईरान और ये जो मसले हुए थे हमारे पास। खैर, अभी जो हम बात करेंगे वो थोड़ी सी डिफरेंट रहने वाली है। अच्छा, BTC कल यहाँ से आपके पास जो है वो रिजेक्शन लेता है, ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन $65,000 से हम गिरते हैं और $62,700 के ऊपर हम जो है वो आ जाते हैं। 3% BTC गिरा, बट वहीं पे अगर मैं कोई रैंडम ऑल्ट ओपन कर लूँ तो वो BTC की वजह से अगर गिरा तो यहाँ पे 7-8% गिरा। तो आप ये समझ लो कि 1% BTC की जो मूव है वो ऑल्ट्स को 3-4% जो है वो आराम से गिरा देती है, सही है। अब कल ये जो डंप आया था, इसके बारे में हम थोड़ा सा प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि ये जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन करने को कहता हूँ, नहीं, अपने फायदे के लिए नहीं कहता। कल देखे हमने यहाँ पर क्या अपडेट्स दी थी रात को, जब BTC वॉज $65,000, उस वक्त मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट अपडेट्स, गाइस थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ, पोजिशन क्लोज मत करना, प्रॉफिट्स पर स्टॉप लॉस लगा लो, बिकॉज BTC और मेन रेजिस्टेंस, क्योंकि आपके पास ये BTC था वो अपनी मेन रेजिस्टेंस के ऊपर जो था वो आया हुआ था यहाँ पे अगर आप देखेंगे। तो मैंने कहा था स्टॉप लॉस लगा लो, बुक सेल नहीं कर देना, क्या पता अगर BTC निकल जाए ऊपर की तरफ और हम मिस कर दे तो अपनी जो आप प्रॉफिट में, जैसे अगर आपने यहाँ बाय किया है और यहाँ पर आप प्रॉफिट में, तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट कर लो ताकि आपका प्रॉफिट में स्टॉप लॉस हो और आपकी पोजिशन का आपको एटलीस्ट यहाँ तक तो एडवांटेज हो ना। तो ये हमने इस तरीके से इनसे कहा था। और मैंने इनको जो रीजन दिया था इसके पीछे, रीजन वॉज क्लियर कि USTC पंप हो रहा है एंड वैन एवर USTC इन गेनर्स, BTC 80% ऑफ द टाइम डंप हो जाता है। देखो जब भी मॉनिटरिंग कॉइन्स, देखो USTC पहले एक स्टेबल कॉइन हुआ करता था लूना बेस्ड, फिर अब उसका कोई मकसद नहीं है क्यों ट्रेड हो रहा है ये। जब कोई ऐसे कॉइन टॉप गेनर्स में आने लग जाए जैसे मीम कॉइन्स या मॉनिटरिंग कॉइन्स या बैंक करप्टेड टोकन्स जिनका कोई यूज केस नहीं है, तो इट मींस के लिक्विडिटी जो है वो अब इनकी तरफ आ रही है और BTC कैन सॉ डंप। और यही हुआ, और रात को फिर मैंने इनको बताया इफेक्ट्स ऑफ USTC और BTC जो है वो 65,000 वाले जोन से जो है वो रिजेक्ट करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके पास चीज जो है वो इनवैलिडेट हो गई थी, बट जो मेन न्यूज आई कल वो थी कि SEC ने जो है, मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने वार्न किया है कि वो रॉबिनहुड एक्सचेंज को जो है वो सू करेंगे क्योंकि वो इलीगल क्रिप्टो एसेट्स के अंदर जो है वो ट्रेड लोगों को ऑफर कर रहे हैं। तो इस न्यूज़ ने भी काफ़ी ज़्यादा कल जो है वो मार्केट के अंदर इंपैक्ट डाला और हमने देखा कि शॉर्ट टर्म आपके पास वीक लगी, देन हमने स्टेबिलिटी मार्केट के अंदर जो है वो देख ली। तो ये रीजन थे। अब अगर हम शॉर्ट टर्म में BTC को जाकर देखते हैं, जो कि मैंने आपसे कहा था 1 डे के चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं BTC यहाँ पर, तो 1 डे के अंदर ये रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा हैवी नहीं लग रही, बट 1 डे के अंदर जो एरिया अभी होल्ड होना चाहिए, देखो ये तो आपको पता है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जोन, ठीक है, जोन कौन सा था, $60,800 से लेके $61,500 तक, ये पूरा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। हम इसके बिलो गए थे बट रिट्रेसमेंट करने में हम नाकाम हुए और हम वापस इसके अबव आ गए, तो ये काइंड ऑफ फेक आउट के अंदर शिफ्ट हो गया। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो BTC को बार बार बाउंस देती है। इसके नीचे लिक्विडेशन वीक लगती है जैसे कि यहां पर भी लगी, बट ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। तो BTC ने क्या किया, इसके अबव भी क्लोज किया और यहां पर BTC ने काइंड ऑफ छोटा मोटा आपके पास जो है वो ब्रेकआउट भी किया। सो BTC मस्ट नीड टू होल्ड दिस जोन, ठीक है, यहां पर रिट्रेसमेंट भी BTC अच्छा होल्ड भी करे, तो BTC मस्ट नीड टू होल्ड 60,800 टू 61,500 वाला जोन। अब जब तक ये होल्ड है शॉर्ट टर्म में हम सेफ है, बट अभी हम BTC के अंदर ब्रेकआउट करने या बड़ी रैली देखने नहीं चाह रहे अनटिल अनलेस हम लोग अपना डाउन ट्रेंड जो वो ब्रेक नहीं कर देते। जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक लोअर लो बन रहा है, फिर आपके पास एक लोअर है, देन लोअर लो, एंड आपको चाहिए कि BTC प्रीवियस अपना जो लोअर हाई था, ठीक है, इसको ब्रेकआउट करे। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास ट्रेंड अप ट्रेंड में शिफ्ट होगा और BTC के अंदर कोई अच्छा मूव आएगा, जो कि 67,000 पे इससे पहले मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अब लॉन्ग टर्म एनालिसिस की तरफ जाने से पहले
एक सिंपल सी चीज मैं तुम लोगों से कहूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना ये मस्ट ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे देखो लोगों ने पीएचबी की सीटीएक्सी के बारे में बात करना बाद में स्टार्ट की, बट यहाँ पे आप देखे जब ये 1.47 पर था, देखो पीएचबी ऐसा कॉइन है ना जो मेरा फेवरेट कॉइन रहा है और हम इसे 5x कर चुके हैं, लाइक 0.6 पे हमने उठाया था, $4 पे हमने इसको सेल किया था। मैंने इनको कहा कि हियर वी गो अगेन विद पीएचबी, मैं पीएचबी अगेन उठा रहा हूँ, अब ऑल्स में डिस्काउंट की वजह से मैंने पीएचबी अगेन उठाया। कल रात आप लोगों के साथ लाइव स्ट्रीम में हमने 1.20 पे बाय किया था, मैंने कहा था चलो दोबारा बाय करो। मैंने इनसे देखो सिंपली कहा आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और सीटीएक्सी पीएचबी से लो क्या पीआई प्रोजेक्ट बाइनेंस के ऊपर नहीं है, तो सीटीएक्सी और इसमें हम दोनों प्रोजेक्ट्स में थे, अगर आप देखेंगे तो सीटीएक्सी हम इन दोनों प्रोजेक्ट्स में थे। एंड देन वी सॉ ह्यूज पंप इन अ पीएचबी, हमने परफेक्ट एंट्री बनाई थी, जो मैंने आपको जोन दिया वहीं पे मैंने खुद भी बाय किया था और लोगों ने इसे बहुत अच्छे पैसे बनाए। तो ऐसी फ्री कॉल्स के लिए, ऐसी अपडेट्स के लिए, जैसे कल यूएसटीसी की आपको अपडेट दी सिंपल, ऐसी अपडेट्स के लिए आप ये फ्री ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है, ये सारी चीजें जो मैं आप लोगों से कहता हूं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपने लॉन्ग टर्म एनालिसिस की तरफ, जो मैंने आपसे कहा था, अब थोड़ा सा अपने सीट बेल्ट्स को टाइट कर लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में अब मैं डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज बीटीसी का मंथली चार्ट। ओके, अब देखो यहां पर आपने बीटीसी का लॉगरिथम चार्ट ओपन करना है। अब सिंपली आपने देखना ये कि जो लास्ट रैली का जो बुल रन का टॉप होता है, जैसे 2013 का टॉप आपके पास कौन सा जोन रहा है, ये वाला जोन, ठीक है, तो कैंडल बॉडी को अवॉइड करना है, उसकी जो कैंडल है वो आपकी मेन रेजिस्टेंस है। अगर हम उसको फ्लिप करते हैं, ठीक है, अगर हम उसको फ्लिप करते हैं और इसके अब हम रिट्रेसमेंट करने में सक्सेसफुल होते हैं, जिसके अब हमने फ्लिप किया, रिट्रेसमेंट हमारी नेक्स्ट मंथली कैंडल में जो हुई वो हुई, फेकआउट हमने किया, ठीक है, बट हम इसके अब भी क्लोज हुए एंड देन वी सॉ ह्यूज रैली, ठीक है, 2013 के टॉप की मैं बात करूँ, फिर 2017 का जो टॉप आपके पास लगा था उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाकर देखें मंथली रेजिस्टेंस, अब देखो ये रेजिस्टेंस बहुत कड़क होती है भाई जान, यहाँ से इसने अगर बीटीसी को रिजेक्शन दी तो देखो बीटीसी का बेड़ा गरक हो गया था, ठीक है। अब जब हमने इसके अबव क्लोज किया, रिट्रेसमेंट करने में हम सक्सेसफुल हुए, अब वीकली क्लोजिंग में रिट्रेसमेंट को थोड़ा सा ठीक से देख पाओगे जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे कि क्लोज हुआ और फिर आपके पास रिट्रेसमेंट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, जैसे ही हुआ ये सब कुछ मंथली क्लोज फ्लिप हुआ, रीजन हमने देखा कि रीजन जैसे फ्लिप हुआ हमने देखा कि बीटीसी के अंदर ह्यूज पंप आया। लास्ट बार फ्लिप हुआ तो बीटीसी $1,000 से $20,000 पर चला गया, दूसरी बार फ्लिप हुआ तो बीटीसी $10,000 से $70,000 पर चला गया, और करंटली अगर हम देखेंगे लास्ट टॉप से तो बीटीसी जो है उसने अपनी जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद करंटली आपके पास रिट्रेसमेंट कर रहा है। नाउ बीटीसी मस्ट नीड टू होल्ड दीज एरियाज, अगर बीटीसी इन एरियाज को होल्ड करने में अनसक्सेसफुल होता है, जो कि लास्ट आपके पास बॉटम बनता है बीट अकॉर्डिंग टू द जोन, वो बनता है $56,000 और 54K तक आपके पास लिक्विडिटी ग्रैप हो सकती है, जैसे कि 2013 के अंदर हुई थी, ठीक है, आपके पास क्लोज हुआ लेकिन लिक्विडिटी ग्रैप हुई, सपोर्ट जोन तो 946 था लेकिन लिक्विडिटी ग्रैप हुई 890 तक, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैप की गई यहाँ पे, सही है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी हुई बट क्लोज क्या हुआ, ऊपर हुआ, तो अगर यहाँ पे भी लिक्विडिटी हो तो क्लोज ऊपर ही हो मंथली, मतलब मंथली जो क्लोज हो 30 मई को जो भी क्लोजिंग हो वो $56,000 के अबव होनी चाहिए। अब अगर हम इस जोन को होल्ड करने में सक्सेसफुल रहते हैं और मार्केट यहाँ से आपके पास हल्का सा भी एक बाउंस बैक देती है, ठीक है, तो इट मीन्स कि अच्छा साइन होगा, और जब जब हमने देखा है कि मंथली जोन फ्लिप हुआ है हमारे पास प्रीवियस टॉप का, बीटीसी ने अच्छी मूव दी, तो बीटीसी मस्ट नीड टू होल्ड दिस एरिया, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, सिंपली आपने इस चार्ट के ऊपर अपनी जो है वो नजर रखनी। चाहते चाहते अगर हम थोड़ा सा ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करें तो वो बीटीसी डोमिनेंस से काफी ज्यादा रिलेट करती है और बीटीसी डोमिनेंस नहीं रुक रही है, सही है, सिंपली अगर मैं तुम लोगों से कहूं तो यहाँ पे करंटली बाउंस करी है, सपोर्ट से वापस उठ गई, जब तक बीटीसी डोमिनेंस अपना 53.8 वाला जोन ब्रेक डाउन नहीं करती हम कोई ऑल्ट सीजन यहाँ पे एक्सपीरियंस करने वाले नहीं है। अब यहाँ पे ये हुआ है कि शॉर्टर टाइम पीरियड के अंदर मसला ये है कि बीटीसी गिर रहा है और ये आपके पास जो है वो ब्रेकआउट को जो है वो अप्रोच कर चुकी है, लाइक आपके पास जो वो ब्रेकआउट कर दिया है, तो ऑल्ट्स में से थोड़ा सा सहमत रहो। अब ये महीना जो है मैं यहाँ पर अप्रैल के मंथ में मैंने एक्यूमुलेशन कॉल्स बनाए, जैसे सीटीएक्सी पीएचबी ओपी और एनएफपीए, मेरी चार मेन कॉल्स थी जिसके अंदर मैंने पैसा बनाया, बट मैं के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे डम्प्स मिलते हैं तो मैं अच्छे कॉइन्स इसी कॉइन्स के अंदर शायद मैं एक्यूमुलेशन अपनी दोबारा करूं, क्योंकि मैं इनसे प्रॉफिट बुक कर चुका हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म की देखो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मैं बुक कर चुका हूं, जैसे लॉन्ग टर्म में मेरा टारगेट पीएचबी से $10 का है, सीटीएक्सी से अगर $1.50 का है तो वो मैंने होल्ड किया हुआ है, मैं थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जो मैंने इन्वेस्ट किया था उतना मैंने बाहर कर लिया, एटलीस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट मैंने बाहर कर लिए, प्रॉफिट पड़ा रहने दिया, कुछ प्रॉफिट मैंने निकाल लिए। अब मार्केट में अगर मुझे डिप्स मिलते हैं लाइक 57 के वाले जोन के या अगर आप कहो 54 के वाले जोन्स के, तो मैं उनको दोबारा जो है वो ऐड करूंगा थोड़ा थोड़ा अपने उसी इन्वेस्टमेंट से। तो अभी क्या करो, एक्यूमुलेशन करो, स्कैल्पिंग से दूर हो, जो स्कैल्पिंग हमने प्रीमियम में भी करवाई तो वहाँ पे भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है, फिलहाल हम उसमें भी लॉसेज ही बुक करें स्कैल्पिंग में, तो ये एक्सपीरियंस मैं तुम्हें बता रहा हूं। हमारा ये होता है कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, 3% का होता है, तो टोटल हमारा 9-8% का नुकसान होता है 2-3 रैली में, तो उस चीज़ का मैटर नहीं होता, वो चीज़ हम कवर भी करवा देते, बट ये कि अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, फिलहाल स्कैल्पिंग हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि बीटीसी की जो ये हरकतें होती है ना ये स्कैल्पिंग को बहुत ज़्यादा खराब करती है, जो विक्स आती है मैनिपुलेशन पर डोमिनेंस
का तेजी से बढ़ना। तो स्कैल्पिंग को अवॉइड करो, एक्यूमुलेशन करो, अच्छे कॉल्स के अंदर अपनी पोजीशन बनाओ। जैसे भाई तुम्हें पता है ये CTX की कॉइन है, AI का कॉइन है, आने वाले टाइम में अभी एप्पल के इवेंट्स भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, देखो नैरेटिव क्या है। तो जब जब तुम्हें CTX मिले ना, सब सपोर्ट जोन के ऊपर इसके लेवल्स मार्क कर लो भाई। अगर BTC आपके पास 57K पर आया तो CTX आराम से आपके पास 31K पर आएगा। अगर BTC आपके पास 54K पर आया तो CTX आराम से आपके पास 26 पर आएगा। तो आप क्या करो, आपके पास $100 $50 यहाँ डालो, $30 यहाँ डालो, $20 को बायबैक के लिए। आपने थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे बाय किया, अब आपका एवरेज प्राइस जो आ जाएगा वो 30 सेंट्स पर आ जाएगा। फिर मार्केट ने न्यूज़ पर जैसे ही पंप हुई, आपने क्या किया, 30-40% प्रॉफिट बुक कर लिया। तो इसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन स्विंग ट्रेड्स बनाना। स्कैल्पिंग नहीं करो, स्कैल्पिंग करोगे बर्बाद हो जाओगे। स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है, छोटे प्रॉफिट मतलब 3-4% का, और इसका रिस्क भी कितना होता है 1-2% का। तो 1-2% का तो रिस्क ही मार्केट में यहाँ पे फिलहाल कोई औकात नहीं है, स्टॉप लॉसेस पे स्टॉप लॉसेस हंट होंगे। तो या तो ट्रेडिंग को अवॉइड करो, क्योंकि कोई तुमने अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की, ऑल 60-70% सारे डाउन है, ठीक है। या तो अभी ट्रेडिंग को अवॉइड करो, या अगर कर भी रहे हो तो सिर्फ एक्यूमुलेशन करो या अपनी पोजीशन बिल्ड करो बस, और कुछ ना करना। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।